नमस्कार सोच साहब, दिल्ली वॉयस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अभी ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी ज्वाइन करने की अभी अटकलें चल रही हैं, और 1 या 2 दिन के अंदर ये ज्वाइन कर लेंगे, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं, तो अभी ये जो छोड़ने का रीजन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये राहुल गांधी के काफी क्लोज थे। इनका पूरा स्कोप था कि इनको वहां का सीएम बनाएंगे। यंग फेस था और रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्रेजेंटेबल भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, सब कुछ है, तो इनका बनने का था। लेकिन वहां पे एक कॉन्स्पिरेसी की गई और वो कॉन्स्पिरेसी की गई अहमद पटेल के थ्रू। अहमद पटेल जो है सोनिया गांधी के बहुत क्लोज है, उनके फाइनेंसिस को डील करते हैं और उनका सोनिया गांधी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है फॉर वेरियस रीजन, जो मैं अभी यहां पे कहना नहीं चाहूंगा। तो उसकी वजह से उनको वहां चीफ मिनिस्टरशिप नहीं मिली, तो ये वहां से काफी नाराज थे। नाराज होने के बाद उनको उनको फिर ये रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि मुझे अगर आप ये नहीं दिया तो मुझे कम से कम आप राज्यसभा की सीट दो। और वहां से 2 सीटें थी जो कांग्रेस की अभी खाली हो रही है, जो भरनी थी। एक तो सीट अपनी किसी और कैंडिडेट के लिए फील्ड अप थी, एक इनको मिलनी थी। लेकिन तब तक कांग्रेस ने ये चलाया कि इसको यहां से प्रियंका गांधी को खड़ा कर देंगे। अगर प्रियंका गांधी खड़ी होती तो इनका नाम कट रहा था। स्पेशली ये चलाया गया ताकि इनको काटने के लिए, इनको कट टू साइज करने की बात थी, क्योंकि यहां पे ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो दोनों मिले हुए थे वो इनको काटना चाहते थे, जो बुढ़ापे वाले जो सरके वो आदमी है। कमलनाथ के ऊपर पहले भी एलिगेशन है कि दिल्ली रॉयल्स में इसने बड़ा ड्यूबियस रोल था, और दूसरी तरफ आप देखते ही हैं कि अब दिग्विजय सिंह का क्या रोल रहा है। उल्स रूल बोलते रहते हैं, उम्र हो चुकी है लेकिन पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेंगे। तो इसकी वजह से इनके पास कोई चारा नहीं बचा। अब इनके जो फादर थे पहले वो बीजेपी में ही थे और कांग्रेस में इसलिए चले गए कि इनकी फैमिली में, रॉयल फैमिली में कुछ डिफरेंसेस थे विजय राजे सिंधिया के साथ। उनके जो डिफरेंसेस थे उसकी वजह से इनकी बुआ लगती है सगी विजय राजे सिंधिया, बीजेपी में है। तो अब जो है एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि अपने फैमिली के साथ डिस्प्यूट भी खत्म हो गए, विजय राजे सिंधिया भी इनको वेलकम कर रही है, और इनके आने से बीजेपी मध्य प्रदेश में भी स्ट्रांग होगी और पावर में भी आएगी, उसमें कोई शक की बात नहीं। और साथ साथ राजस्थान में भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से बीजेपी वहां भी आ जाएगी। मुझे कांग्रेस से एलर्जी नहीं है, लेकिन मुझे कांग्रेस के जो पीछे का इनका रोल रहा है कि जैसे इनका एंटी इंडिया स्टैंड रहा है, राहुल गांधी का एंटी इंडिया स्टैंड रहा है, प्रियंका गांधी का रहा है और सोनिया गांधी का रहा है, चाहे सीए को अपोज करें, चाहे 370 को अपोज करें, चाहे ये कोर इश्यूज में आकर के चाइना को सपोर्ट करते थे ढोकलाम हुआ, फिर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे इनके अपने लीडर्स को भेजते हैं, शाहीन बाग में डेमोन्स्ट्रेशन को इनके लीडरों ने सपोर्ट किया, फिर इन्होंने जो राइटिंग है उसके अंदर बड़ा मजा लिया। तो एक इनके इसकी वजह से आई हेट कांग्रेस, और इसी की वजह से मैं हेट करता हूं कि इनके कांग्रेस की लीडरशिप को भी। और इन्होंने यहां पे अच्छा आके किया कि एक बीजेपी जो नेशनलिस्ट पार्टी है उसको ज्वाइन किया, तो मुझे लगता है कि इनकी होम कमिंग है। और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि इनको गवर्नमेंट अपनी एक अच्छी पोस्ट दे, इनको एक मिनिस्टर बनाए राज्यसभा की सीट के। तो सुना है 13 मार्च को इन्होंने नामांकन भरना है, उसमें साथ में इनको एक मिनिस्टर पद मिलनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने कुछ पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ खोया है। इन्होंने मोहन पारिकर को खोया, एक्सीलेंट आदमी थे, बगैर सिक्योरिटी के मूव किया करते थे। फिर इन्होंने सुषमा स्वराज को लूज किया, बहुत अच्छी ओरेटर भी थी, बहुत अच्छी अपने चीज की समझ थी उनको, इश्यूज की समझ थी। फिर उसके बाद अरुण जेटली को जो इन्होंने लूज किया बीजेपी ने, उनकी जो डेथ हुई उसकी वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इन तीनों की जगह भर सके। तो विजय राजे सिंधिया एक पर्सनैलिटी भी है, एक बोलते भी अच्छा है, और एक उनको नॉलेज भी है, पूरी अपने पॉलिटिकल फैमिली है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके बीजेपी में आने से बहुत फर्क पड़ेगा और ये डिजर्व करते हैं कि इनको एक मिनिस्ट्रियल बर्थ दी जाए। जिस तरीके से अटकलें चल रही हैं, क्योंकि ज्वाइन करते ही इनको ये तो कंप्लीट है कि मिनिस्ट्री मिलेगी, अब कौन सी मिलेगी ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन जहां तक ये पिछले काफी समय से नाराज चल रहे थे कांग्रेस से, और काफी लोगों से बात करने के बाद भी इनको जिस तरीके से साइड किया जा रहा था उसी से ये प्रताड़ित होके इसको देखिए, ऐसा है कांग्रेस के अंदर एक ना अजीब सा कल्चर हो गया है, एक एंटी नेशनलिज्म चला गया, जो एंटी नेशनल लोग हैं वो आजकल पूरे जोर शोर में है। उसकी वजह से गांधी फैमिली को भी एंटी नेशनल एक स्टांस दिया जा रहा है, वो भी उसके उनके बहकावे में आकर के एंटी नेशनल एटीट्यूड किया है। अब ये बात दूसरी है कि लोकल इश्यूज में या कुछ आकर के मैनिपुलेशन से या कुछ इलेक्शन से आकर के जीत गए और बाय डिफॉल्ट ही जीते हैं, जबकि और मुझे लगता है कि उस टाइम पे बीजेपी के कुछ इनके अपने जिन पे डिपेंड करते थे उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया, जिसकी वजह से चाहे राजस्थान हो, चाहे अपना मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, कि ये लोग दूसरी पार्टियां बाहर आई हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये एक मिनिस्ट्री गिनी जाती है इनसिग्निफिकेंट,
इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, लेकिन मैं सोचता हूँ ये बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्री है और गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन के लिए, गवर्नमेंट के क्योंकि एंटी नेशनल एक्टिव लोग बड़े बहुत एक्टिव है, ये मिनिस्ट्री को एक स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इनको फेस देने की जरूरत है। और जो अपने ज्योतिराज सिंधिया है वो उसके लिए मुझे लगता है बहुत मोस्ट सूटेबल है इस मिनिस्ट्री को संभालने के लिए और उसके कंट्री की अच्छी प्रोजेक्शन देने के लिए, कंट्री को राइटफुल प्रोजेक्शन देने के लिए। और साथ साथ मैं वैसे भी कहूंगा कि इनके साथ, क्योंकि अभी क्या है जो दिल्ली में दंगे हुए, मुसलमानों ने दंगे किए, लेकिन मुसलमानों को ऐसे दिया जा रहा है कि जैसे मुसलमानों के खिलाफ ये दंगे थे, कई वीडियोस भी हैं। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी यही चीज का बहुत सी जगह पे है, ईरान भी इसके इंडिया को क्रिटिसाइज कर चुका है, इंडोनेशिया में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हुई हैं, लेकिन और साथ में इवन यूके और साथ में यूएस में भी इसका कोई ठीक से प्रोजेक्शन नहीं हुई। तो इसमें बहुत जरूरत है कि वहां पे हमारे को जो है स्पेशलाइज, क्योंकि पीएम मोदी ने भी कहा था कि हमें जो है ना फॉरेन मिनिस्ट्री को और इसको दुरुस्त करना है, तो वहां पे स्पेशलाइज लोगों को भेजें, वहां पे जो अपने अगर कोई प्रोजेक्शन करना है तो चाहे वाशिंगटन चाहे न्यूयॉर्क में इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर से लोग भेजें ताकि उसको टैकल कर पाए। और ये विजय राजे मोहन अपने जो सिंधिया हैं ये काम कर भी पाएंगे, और वहां पे ताकि जितने भी ये सुस्त से लोग बैठे हैं, चाहे रॉ के बैठे हैं चाहे अपने एमबीए के बैठे हैं, उन लोगों को साइड पे किया जाए और साथ में रॉ को भी एक डायरेक्टिव दिया जाए कि आप यहाँ पे अपना जो प्रोपागंडा करना है जो टीवी वगैरह के ऊपर, आप उस पर जोर दीजिए। जब मैं शुरू में बताऊं रॉ के पास क्या काम था, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। आजकल पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की वैल्यू बहुत खत्म हो चुकी है, आजकल रह गया है आपके एक तो टेररिज्म के ऊपर डील करना, क्योंकि पहले हमारे पास इंटरनेट नहीं थे या ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी तो हमारी वो खबरों की एडवांस इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती थी। आजकल टोटल नजरिया चेंज हो गया है, एक हमारा कि एक टेररिज्म आ गया है, एक हमारा मैनिपुलेशन हो गया है, तीसरी हमारी जरूरत पड़ रही है कि जो इन्फॉर्मेशन या ब्रॉडकास्टिंग इसकी इंडिया की प्रोजेक्ट इमेज ठीक की जाए। जैसे पीएम मोदी की विजिट हुई थी यूएसए में और हॉडी मोदी करके एक हुआ था, उस टाइम पे एमए कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया था, ऐसे लोग चाहिए जहां पे लोग नहीं करते। मैं न्यू जर्सी में भी हमारे जो कॉन्सुलेट है वहां पे लोगों की बड़ी ऑब्जेक्शन है कि इंडियंस जाते हैं उनके पास सपोर्ट के लिए, उनको सपोर्ट नहीं करते, ये सिर्फ जो है कुछ लोग बैठ करके वहां आरजी के पैसे लेते हैं, उसके मजे करते हैं, फॉरन के अपने एंजॉय करते हैं, वाइन पीते हैं। इन लोगों के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पेशलिस्ट लोगों को भेज के उसको एक्टिवेट किया जाए। चलिए, जिस तरीके से देखा गया मध्य प्रदेश में जिस तरीके की अस्थिरता पाई गई है, तो आने वाले समय में क्योंकि इस पे भी ये आपके जो है राजस्थान के अंदर भी ये काले बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में राजस्थान में भी कुछ देखने को मिलेगा? विजय राजे सिंधिया राजस्थान के सीएम रही हैं, बड़े एक्चुअली इन्होंने ऑन ग्राउंड बड़े अच्छे काम किए हैं, इन्होंने एक तो टूरिज्म पे बड़ा अच्छा इनका वो थे आर्टिकल, बड़े अच्छी इन्होंने डेवलपमेंट करने का काम किया कि टूरिज्म एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर हमारे को कंट्री में एम्प्लॉयमेंट और साथ में कंट्री की प्रोग्रेस के लिए या बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है या टूरिस्ट लोग आते हैं, क्योंकि बहुत सी कंट्री उस पर काम किया। और मध्य प्रदेश में भी शिवराज चौहान ने इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वहां पे पानी की कमी थी, जगह जगह में पानी आ गया, जगह जगह में बिजली कमी थी, बिजली की आ गई, खेती बाड़ी में उस बड़ी प्रोग्रेस की और जीडीपी इनकी वहां पे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी हुई है, करप्शन फ्री इनका एनवायरमेंट था। और लेकिन एक समझिए कि मैं ये कहूंगा कि कुछ इन फाइटिंग की वजह से जैसे वहां लूज कर गए, और इनके दोनों के स्टेट्स पे आने के साथ एक बड़ा प्रोग्रेस करेगा। मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि बहुत सी कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर जो सिर्फ टूरिज्म और डिफेंस, चाहे आप फ्रांस लगा लीजिए, चाहे लंदन लगा लीजिए, चाहे मतलब यूके लगा लीजिए, और जो कंट्री है वो सिर्फ टूरिज्म और इस पे चलती है एक आपका आर्म्स के एक्सपोर्ट के ऊपर। तो विजय राजे सिंधिया के राजस्थान आने से मुझे लगता है कि टूरिज्म पे बहुत अच्छी काम होगा, पीछे भी कुछ काम हुआ है, अभी वहां पे जो गहलोत है कोई काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं है, सिर्फ आपस में लड़ाई चल रही है, वहां पे मध्य प्रदेश में भी यही चल रहा था। और इनसे आप क्या कमलनाथ एक्सपेक्ट करोगे, ये क्या करेंगे? तो ये जो यंग आदमी है इनके आने से मतलब यहाँ पे मिनिस्ट्री में आने पे और शिवराज चौहान के वहां पे आने पे एज चीफ मिनिस्टर बड़ा फर्क पड़ेगा, कंट्री की इकोनॉमी भी अच्छी चलेगी और बाकी भी कंट्री की प्रोग्रेस होगी। चलिए, ये तो हो गया मध्य प्रदेश और राजस्थान की, इसके बाद देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर भी बड़ा उठापटक चल रही है, दोनों में मनमुटाव चल रहा है, जैसे उद्धव ठाकरे में भी और उसमें भी, क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या? वैसे तो उद्धव ठाकरे का थोड़ा सा बचाव इसलिए हो गया कि दिल्ली में जो यहाँ पे बीजेपी इलेक्शन हार गई या बाकी जगह भी कुछ फर्क पड़ा, और अब वो बेसिकली कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी बेस तो नीचे से हिल रही है, उनके लोग एमएनएस में जा रहे हैं, कुछ बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब उनको लग रहा है कि हम अगला इलेक्शन बगैर बेस के तो लड़ नहीं पाएंगे, सीएमशिप तो ले ली, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से इस तरफ आए
अपने, और जब इस तरफ आ रहे हैं तो इनके अपना पवार साहब ने भी इनके मन बटाव हो गया। लेकिन देखिए कि किस ऊंट किस कटर बैठता है। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे इनकी जो गवर्नमेंट है कि विदाउट आइडियोलॉजी बनी है इनकी गवर्नमेंट जो है तीनों की, इनकी कांग्रेस और एनसीपी की, तो ज्यादा देर चलेगी नहीं। चलिए जैसे कांग्रेस वहां पे बताया जा रहा है कि जिस तरीके से राज्यसभा की टिकट को लेके कुछ ना कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो ये अभी इसका फाइनल होने वाला है, तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद किया जा रहा है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इनके साथ जो घटना घटी, क्या ये ऐसा हो सकता है यहाँ पे? बिल्कुल हो सकता है। बेसिकली क्या करेंगे, शरद पवार जो है फिर चाहते हैं वो तो कहें कि आखिरी में तब तक जो मर रहे मेरा कब्र में पैर हो मुझे तब तक भी पॉलिटिक्स खेलनी, क्योंकि पॉलिटिक्स के साथ उनकी पावर है, पावर के साथ उनकी करप्शन है, करप्शन के साथ उनका पैसा है। जब आदमी का पैसा ज्यादा होता है तो और पैसे की तरफ भागता है, खींचता है। ये 99 का चक्कर है। शरद पवार अपनी कभी पावर नहीं छोड़ना चाहेंगे जब तक ये है, और वे कोशिश करेंगे कि मैं दोबारा से राज्यसभा के थ्रू आ जाऊं, एमपी बनने की कोशिश करेंगे, और उद्धव ठाकरे शायद इसको रोकने के चक्कर में है। तो देखते हैं अभी किस क्या डेवलपमेंट होती है, और ये तो गवर्नमेंट ज्यादा देर चलने वाली है भी नहीं। चलिए आपने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।